जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ज़मीन भरना धर के मैंने लैपटॉप कैमरा माइक खरीदा था और आज बेचने की नौबत आ रही है। वीडियो बनाना बंद। प्लीज दोस्तों, छोड़ दो ये सब करते, ताने मारते हैं। सच कहते हैं गांव वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार लोग और घर वाले कि बेकार कर रहे, ये क्या कर रहा है, तुम पढ़ाई करो। गांव वाले, गली वाले बोलते हैं तुम क्या करेगा वीडियो बनाकर, तुम कोई स्टार है जो तुमको कोई सपोर्ट करेगा? और आप सब भी उसी को सपोर्ट करते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिसका मिलियनों में सब्सक्राइबर है, और हम सबको एक जरा सा भी टैलेंट निखारने का मौका तो दीजिए। घर में घर वालों वीडियो बनाने नहीं देता है और बाहर गांव वालों ने वीडियो बनाने नहीं देता है, तो क्या करें बोलिए। आप सब थोड़ा थोड़ा सा अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम दिखा सकते हैं इन सबको कि देखिए वीडियो बनाने से क्या होता है। सही कहते हैं गांव गले मोहल्ले वाले लोग कि मत बनाओ ये वीडियो, छोड़ दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, 2-3 व्यूज से क्या हो जाएगा, ये सब उन्हीं को अच्छा लगेगा जो बड़े यूट्यूबर हैं। और आप सब भी उसी को सपोर्ट करते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिसका मिलियनों में सब्सक्राइबर है, और हम सबको एक जरा सा भी टैलेंट निखारने का मौका तो दीजिए। अभी जानते हैं कितने बज रहे हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं। इस टाइम में चुपके से वीडियो बनाने आया हूँ ताकि कोई देखे ना। और आप सब जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, तो देखिए किचन रूम में वीडियो बनाता हूँ। इससे बड़ी दुख वाली बात क्या हो सकता है, आप सबके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ बट आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बनूं, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब जैसा था वैसा ही रहूँगा, कोई बात नहीं। अगर अभी मैं पढ़ाई करता तो कोई जॉब लेकर मैं लाइफ सेट कर सकता था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा दोस्त यार सब कोई फ्यूचर बना लेगा और कोई बना ही रहा है, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जहाँ के तहाँ ही रह गया। अगर अभी मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया तो गांव वालों बोलेगा क्या हो गया, 2-3 लाख का सामान लिया और हो गया 2-4 दिन लब, तो बताओ यार क्या करें हम, वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बनूं, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब जैसा था वैसा ही रहूंगा, कोई बात नहीं। दिखा रहा हूँ जहाँ मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, वो दिखा रहा हूँ बैक कैमरा करके। देखिए इधर पर्दा लगा है, इधर ब्लैक पर्दा, ये देखिए यहाँ रख के, इधर किचन रूम है, इधर सब सामान पड़ा हुआ है। गेट लगा के बनाता हूँ ताकि आवाज बाहर ना जाए, नहीं तो बोलने लगता है। देख सकते हैं कैसी हालत है। और इस पे बैठ के सिलेंडर है, इस पे बैठ के मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ, इससे बुरी हालत क्या हो सकता है। बट आप सब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, यार सपोर्ट कीजिए। सब सामान लिया हूँ, लैपटॉप कैमरा वो सब भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैमरा रहा ये, और इधर लैपटॉप पड़ा है, सब सामान ऐसे ही धरा है।
इतना ना वीडियो बनाने का उत्सुकता था कि मैंने सोचा कि जमीन धर के सब चीज़ पहले मैं किन लेता हूँ, लैपटॉप माइक कैमरा सब किन लिया, उसके बाद वीडियो बनाना सोचा। तो देखते हैं दो चार महीने के बाद ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि व्यू ही नहीं जा रहा है, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है। तो मैं फिर डिसाइड किया कि अब सबको बेच के फिर से अपनी जैसी ज़िंदगी थी वैसे ही जीना है, तो छोड़ दूंगा अब मैं, कुछ नहीं हो सकता, हम सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करता है छोटे यूजर को। अगर आप सब चाहते हो कि वीडियो बनाएं तो यार कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाता रहूँ। हार तो नहीं मानना चाहता हूँ, यह सब आपके हाथों में है, जितना दूर ले जाएंगे उसके बाद। अगर आप सब चाहते हैं कि कोई भी यूजर यानी कि छोटा से भी छोटा यूजर क्यों ना हो, हार नहीं मानना चाहिए, तो आप सब सपोर्ट कीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ कोई भी कुछ कर सकता है, किसी के लिए यह सब असंभव नहीं है, सब कोई इस पर मेहनत करे। तो यार इसको इतना शेयर करो, इंडिया का हर कोने तक पहुंचना चाहिए ताकि हर कोई मोटिवेट हो और वीडियो बनाना ना छोड़े। यह सब सिर्फ आपके हाथों में है निर्णय, अब आपके हाथों में है कि क्या करेंगे, क्या ये सच होगा या नहीं। डिमोटिवेट को अगर मोटिवेट कर दें तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है।